हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है न्यू वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे IOCL की तरफ से, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी और बल्क में हायरिंग आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 1200 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने यहाँ पे IT किया है किसी भी ट्रेड के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच के अंदर आप एलिजिबल रहेंगे। BBTECH कर रखा है किसी भी ब्रांच के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। MEMTECH कर रखा है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि ऑल ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और ऑल ब्रांचेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, और 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब देखने को मिलेगा, सैलरी बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा, जिसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो कैसे अपने को अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर पाएगा, और आपका जॉब लोकेशन क्या देखने को मिलेगा, सैलरी क्या रहने वाला है, मतलब कि आपका यहाँ पे CTC क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, बिना स्किप किए अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही साथ यूट्यूब पर सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का जो टारगेट रहेगा 700 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाने का। और एक चीज का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा, कौन सी ब्रांच में डिप्लोमा BBTECH किया है, कौन से ट्रेड के अंदर IT किया है और आपका पास आउट ईयर कौन सा है। इससे क्या होगा कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको इसी से रिलेवेंट देखने को मिलेगी और इनडायरेक्टली वहां पे आप लोगों को फायदा होगा। और मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया, तो इसको जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीमियम टाइप की जॉब का अपडेट देखने को मिल जाएगा, जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा IOCL की तरफ से। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है प्राइवेट कंपनी के साथ, उसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बल्क में हायरिंग देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे जो आपको प्राइवेट कंपनी देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी आइजैक प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कंपनी जो काम करती है आपके काम करती है ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ये वर्क करती है, और इन्हीं का प्रोजेक्ट चल रहा है IOCL के साथ। कंपनी की ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक और अप्लाई लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां पे भी जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहां पे आपको करना है क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम नीचे नीचे आ जाना है। एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे कैरियर का, तो इस कैरियर वाले पेज पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली वापस से एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जिस पोजिशन के लिए आपको अप्लाई करना है उसके अंदर आपको यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है और आपको अपना लास्ट नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको अपने DOB को डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जेंडर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड का, इसके अंदर आपको क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने यहाँ पे IT किया है तो आपके यहाँ पे लिखना है अप्लाई फॉर टेक्नीशियन, ठीक है, पूरा आपको मेंशन कर देना है अप्लाई फॉर टेक्नीशियन, यहाँ पे आपको डाल देना है। वहीं अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको लिखना है अप्लाई फॉर DT, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग पूरा भी लिख सकते हैं या फिर अप्लाई फॉर DT लिख सकते हैं। वहीं अगर आपने BBTECH कर रखा है तो आपके यहाँ पे लिखना है अप्लाई फॉर GT, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, इस जगह इस जो बॉक्स दे रखा है डिब्बे के अंदर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे
यहाँ पे पूछा गया कि करंट लोकेशन क्या है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी लोकेशन दिख जाएगी, तो आप अगर जो भी लोकेशन यहाँ पे आ रही है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं आ रही तो आप यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन दे रखा है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फिर यहाँ पे आप अपनी लोकेशन को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने एरिया पिन कोड को मेंशन कर देना है, और उसके बाद आपको अपने टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे कि आपको अपनी मेल आईडी को यहाँ पे मेंशन करना है, तो यहाँ पे वही मेल आईडी डालनी है जो कि आपके रिज्यूम सीवी के अंदर मेंशन हो और जिसको आप डेली बेसिस पे चेकआउट करते हैं, उस मेल आईडी को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन फिर यहाँ पे पूछा गया कि करंट डेजिग्नेशन क्या है, तो अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो आप अपना डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा अगर आप फ्रेशर है तो आपको यहाँ पे NA फिल कर देना है ध्यानपूर्वक, या फिर आप यहाँ पे फ्रेशर भी डाल सकते हैं। देन फिर यहाँ पे पूछा गया कि करंट एम्प्लॉयर के अंदर आपको यहाँ पे NA फिल कर देना है अगर आप फ्रेशर है, तो या फिर आप यहाँ पे फ्रेशर का ऑप्शन भी है इस पर फ्रेशर भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पूछा है कि करंट ग्रोथ सैलरी कितना है, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहां पे क्या करेंगे 0.00 फिल करेंगे, वही अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है आपका CTC है तो आप अपने CTC को भी यहां पे मेंशन कर सकते हैं। देन फिर पूछा गया कि यहां पे की स्किल के अंदर आपको यहाँ पे क्या डालना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आपने कोई ऑटोकैड का कोर्स कर रखा है, या फिर कोई डिजाइनिंग सीख रखी है, या फिर कोई अप्रेंटिसशिप कर रखा है, इंटर्नशिप कर रखा है, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सपीरियंस के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मंथ का दे रखा है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे एक ईयर का दे रखा है, तो आपको यहाँ पे आपके रिज्यूम के अंदर साफ साफ मेंशन होगा कि आप फ्रेशर हैं, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे एक एक फिल कर देना है। देन फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया कि क्वालिफिकेशन क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, 10th का देखने को मिल जाएगा, 10+2 का देखने को मिल जाएगा, BCom का देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे BTech का दे रखा है, मुंबई का दे रखा है, और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन दे रखे हैं, BE का दे रखा है, BCom का दे रखा है, BBA का दे रखा है, BE सिविल का दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वालिफिकेशन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डालना है कवर लेटर। अब कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कवर लेटर लिंक करके वहां पे जाके क्लिक करना है, उसको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे पूछा गया कि आपको अपने रिज्यूम को अटैच करना है, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल मैनेजर ओपन होगा तो आप अपने रिज्यूम को यहाँ पे अटैच कर देगा। यहाँ पे फाइनली आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, आपको डायरेक्टली सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।